Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? मैं जुलेखा अरफा, जुलेखा किचन से. आई होप आप सब ठीक होंगे. मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ. तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं. आज पहले तो बनाते हैं, मैं बता देती हूँ क्या बना रही हूँ. चिकन ब्रेड पार्सल्स, बहुत ही मजेदार बनते हैं, झटपट घर पर आसानी से बन जाएंगे. रमजान में तो बढ़िया सी रेसिपी है, पार्टियों में भी बना है. नॉन रमजान, जब रमजान ना हो तभी पार्टियों में वगैरह में भी बना सकते हैं. बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है. हाँ, स्पाइस बच्चों के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी. साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की. चलिए, एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए. इसमें डाल दीजिए 3/4 छोटे चाय का चम्मच कूटा हुआ लहसुन, या फिर एक भी डाल सकते हैं छोटा चाय का चम्मच, और इसे फास्ट आंच पर फ्राई करें. आधे से एक मिनट तक लहसुन को फ्राई करना है. फ्राई हो जाए तो इसे स्लो कर दीजिए चूल्हे को, और इसमें डाल दीजिए 125 से 150 ग्राम बॉईल करी हुई चिकन. चिकन में कुछ नहीं, मैंने तकरीबन समझिए ना थोड़ा सा पानी डालकर, नमक डालकर, एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे बॉईल कर लिया था. पानी पूरा सूख गया, इसे मैंने श्रेड कर लिया. तकरीबन आधा कप बॉईल करी हुई चिकन है. हाँ, अच्छा, इसे तकरीबन आधे एक मिनट तक स्लो आँच पर फ्राई करें. आधा एक मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 से 1.25 टेबलस्पून जितनी बारीक कटी हुई प्याज, एक भरकर 1 से 1.25 टेबलस्पून गाजर, और एक भरकर शिमला मिर्च बारीक कटी हुई. तीनों भी बारीक कटी हुई है. इसे मिक्स कर लीजिए एक बार, और इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 या चुटकी भर काली मिर्चों का पाउडर, और 1/4 छोटे चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स या फिर ऑरेगानो हर्ब डाल सकते हैं आप, और 1/4 छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस, और 1/2 छोटे चाय का चम्मच चिली सॉस. सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और आधे एक मिनट तक इसे स्लो आंच पर पकने दीजिए. आधा एक मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद, और इसमें कोथमीर यानी कि हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालकर इसे साइड पर रख दीजिए ठंडा होने के लिए. 10-12 ब्रेड के कट्ठे चारों ओर से काट लीजिए इस तरीके से, और एक एक लेकर इन्हें बेल लीजिए, और सारों को बेल कर साइड पर रखते जाइए. एक बेला हुआ ब्रेड लीजिए, और इसके बीच में ना हमने वो जो प्रिपेयर करा हुआ मिक्सचर है उसे 1 टेबलस्पून डाल दीजिए एकदम बीचों बीच, और चारों एजेस पे आप चाहें तो आटे की लई या फिर पानी भी लगा सकते हैं. और सबसे पहले तो अपोजिट दो को इस तरीके से पिंच कर लीजिए उठाकर, फिर बाकी के दो अपोजिट को उठाइए, और इस तरीके से पूरे एक साथ चारों को पिंच कीजिए बीच में. तो इस तरीके से एक छोटी सी पार्सल टाइप बन जाएगा. अब ये जो खुला हुआ सेक्शन दिख रहा है उसे भी हल्का पानी लगाकर या फिर आटे की लई लगाकर इस तरीके से पैक कर लीजिए. तो ये बन गया हमारा एक, इसे साइड पर रख दीजिए. इसी तरीके से सारे बना लीजिए, है ना, बढ़िया सा. तकरीबन आधे कप चिकन के ये वाले मेजरमेंट से 9 पार्सल्स बने हैं. आपको ज़्यादा बनाना है तो आप मेजरमेंट पूरा डबल कर दीजिए, तो 9 के बजाय 18 पार्सल्स बन जाएंगे. ये सारे बन चुके हैं, अब आप चाहें तो इन्हें फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए. एक अंडा फोड़कर एक प्याले में डाल दीजिए, थोड़ा सा 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना दूध डाल दीजिए, नमक डालकर इसे बहुत अच्छे से फेंट कर साइड पर रख दीजिए. एक चिकन पार्सल लीजिए, इसे इस तरीके से अंडे में चारों ओर उलट पलट करते हुए लोटिए, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डालकर वेल कोट कर लीजिए चारों ओर से, और ये बन गया हमारा एक, प्रिपेयर हो गया है चिकन पार्सल. इसी तरीके से सारे बना लीजिए. सारे बन जाए तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद फ्राइंग करिएगा. चलिए, ये मैंने सारे बना लिए हैं, तकरीबन 9 बने हैं. मैं इसी समय फ्राइंग कर लेती हूँ. एक कढ़ाई को फास्ट आंच पर गरम कर लीजिए. जब अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे ये एक चिकन पार्सल्स डाल दीजिए, और इसे मीडियम आंच पर उलट पलट करते हुए फ्राई कीजिए. जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और चारों ओर से क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि अंदर से चिकन तो पकी हुई है, तो इन्हें निकाल कर साइड पर छन्नी के ऊपर रख दीजिए. टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा, नहीं तो सौगी हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे. इसी तरीके से बैचेस के अंदर सारे फ्राई कर लीजिए. इसे आप फ्रीज करके भी 1 महीने तक रख के खा सकते हैं. प्रोसीजर ये रहेगा कि जब आप अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा लें, उसके बाद 1 घंटे के लिए एज इट इज थाली के साथ फ्रीजर में रख दें 1 घंटे के लिए. जब 1 घंटा हो जाए तो निकाल लें, और उसे जिप लॉक बैग के अंदर डाल दें, और फिर से फ्रीजर में डाल दें, और 1 महीने तक रख के खाएं. अगर आपके पास जिप लॉक बैग ना हो
तो एयरटाइट कंटेनर में बटर पेपर डालें, ये सारे लगा दें एक लाइन, फिर से बटर पेपर रखें, उसके ऊपर फिर से इसकी लाइन लगा दें, ढककर फ्रीजर में ऊपर रख दें, एक महीने तक रख के खा लें। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं, बढ़िया से माशाल्लाह, और एकदम ऑयल भी नहीं दिख रहा है आपको ज्यादा, और बढ़िया सा टेस्ट में भी बढ़िया सा मजेदार है। चटनी सॉस, टमाटर सॉस, केचप किसी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। वैसे लाल मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिए, आप चाहें तो हरी मिर्ची भी सब्जियों बनाने के टाइम पे काट कर डाल सकते हैं। तो है ना मजेदार दोस्तों आज की रेसिपी, बढ़िया मजा आया ना देख के, खा कर भी और बना कर भी बढ़िया मजा आएगा आपको। अच्छा, चटनियों की जो रेसिपीज है मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, दो तीन है वो आप चेक कर लीजिएगा। बनाएंगे अगर आप ये रेसिपी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और अगर बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अभी के अभी ये वीडियो को, और बहुत उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाली वीडियो के लिंक्स फॉरवर्ड कीजिए। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।